तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज यहाँ पर उतरे थे अपार्टमेंट में, और जैसे ही उतरता हूँ तो यहाँ पर भाई शॉटगन तो हाथ लग जाती है, लेकिन भाई उसके एमओ ठीक से हाथ में नहीं आ पाती है, और सामने वाली पार्टी के हाथ में भाई कट्टा आ जाता है, और जैसे तैसे करके बचा। खैर अगर एमओ हाथ में आ जाते ना मेरे, तो एक बंदे को तो छत पर लपेट जाता। आगे देखो। तो गाइज यहाँ पर तो बच जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत हिलअप विलअप करते हैं, और उसके बाद भाई मैं तो यहाँ से पतली गली से पहले निकल जाता हूँ, अच्छे से लूट करता हूँ। और लूट करने के बाद भाई मुझे आगे से गोली चलने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं भाई उस दिशा की ओर बढ़ने की सोच ही रहा था कि इतने में भाई किसी का थोपड़ा दिख जाता है यहाँ पर। तो देखो कैसे लपेटे। तो गाइज इसको यहाँ पर नॉकआउट तो कर दिया, और उसके बाद मैं इस इमारत में जाकर के इसको ढूंढ रहा होता हूँ। अब इसके फुटस्टेप तो आ रहे होते हैं, पर पता नहीं ये किस कोने में जाकर के छुप जाता है, मिल ही नहीं रहा होता है। और इतने में भाई ये शायद अपने बंदे को बुला रहा होगा रिवाइव शिवाइव देने के लिए, तो भाई वो भी पहुँच रहा था, और भाई अचानक से पीछे से गोली पड़ती है। तो ये उस बंदे को रिवाइव देने आया था। अब यहाँ पर इतना घटिया स्प्रे दिया कि भाई मतलब वो बच के निकल गया। उसके बाद मैं फटाक से यहाँ पर आता हूँ, लेकिन जब तक भाई वो आगे वाले पत्थर में जा करके छुप जाता है, तो यहाँ पर मैं आग वाली बोतल फेंकने की सोचता हूँ, और उसके बाद क्या होता है देखो। अब मैंने ठान रखा था तेरे को पकड़ के रहूंगा, फिर से बच गया। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई नीचे कूद के निपटना पड़ेगा उसको, और मेरी हेल्थ देखो। तो इसकी तो पेटी बना दी, लेकिन जिसको पहले नॉकआउट किया था यार वो मिल ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि यार फुटस्टेप आ रहे कहाँ है आखिर बंदा, लेकिन दिख ही जाता है। देखो तुम भी देखो। अब अंत में जाकर के इसने अपनी पेटी बनवा ली, इसने सोचा कि यार अब तो पार्टनर भी पिल गया, अब रिवाइव कौन देगा, तो सीधा पिल ही जाता हूँ। तो ये मेरे सामने आकर के पिल जाता है इस तरीके से। और इसके बाद भाई जहाँ से गोली चलने की आवाज़ आ रही थी ना शुरुआत में, वो बंदे शायद मेरे बाजू वाले अपार्टमेंट में आ जाते, तो यहाँ पर मैं खिड़की पर खड़ा होता हूँ, और इतने में भाई एक स्मोक आता है और बंदा भी आगे से आता हुआ दिखता। तो देखो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं भाई। तो स्मोक की फुसफुस हो गई थी, और बंदा भी आ ही रहा था। अब इसके बंदे इसको कवर फायर दे रहे थे। कवर फायर पूरा होने के बाद ये आगे की तरफ स्मोक फेंकते हैं, स्मोक को खत्म नहीं होने देते, अपने बंदे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर मैं नेट निकालता हूं और ऐसी टाइमिंग पे फेंकता हूं कि बंदे की पेटी बन ही जाए। तो सही टाइम पे नेट फेंका, और क्या ही पेटी बनी। और इतने में भाई इसका जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी क्रॉस करने लग जाते हैं, और भाई वो क्रॉस कर जाते हैं, और उसके बाद भाई मैं उसको घुसते हुए अंदर देख लेता हूँ। तो मैं सीधा सीढ़ी पे जाता हूँ और नेट निकालता हूँ, और भाई दोबारा से कोशिश करेंगे नेट करने की। तो देखो अब इसे तुक्का कहो या किस्मत, लेकिन यार एकदम चमक के चल रही थी, मतलब क्या ही लग रहा था। अब यहाँ पर भाई मेरे नेट के बदले एक और नेट कर रहा था, तो उसको देखो कैसे पकड़ते हैं। अब जैसे कि तुमने यहाँ पर देखा, मैं नीचे आया और पूरा फोकस करके ये बंदा भाई नेड आगे की तरफ फेंकने की जुगन लगा रहा था, लेकिन भाई मैंने कहा यार मतलब आगे भी देख ले यार, तेरा फोकस कहाँ एकदम गलत जगह पे हो। तो सीधा इसके यहाँ पर पेटी बन गई। अब इसके बाद भाई मैं दूसरे वाले अपार्टमेंट में घूम ही रहता हूँ कि इतने में भाई गोली चलने की आगे से आवाज़ आती है। हाँ, और फुटस्टेप भी आते हैं। और उसके बाद भाई थोड़ी देर बाद ना इस अपार्टमेंट में ये लोग पता नहीं स्मोक कर लेते हैं, और स्मोक के आड़ में ना मेरे को नीचे एक बंदा दिख जाता है, और सही टाइम पर उसको लपेट लेता हूँ। तो इसकी यहाँ पर मस्त पेटी बना दी, और उसके बाद भाई पीछे जंगल झाड़ी से गोली चलने की आवाज़ आ रही होती है, और कुछ बंदे यहीं पर आ रहे होते हैं, तो उनको रोकना ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं इनको छोड़ करके भाई वहाँ पर जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरी पिलाई होगी। अब इनको मैं रास्ते में तो रोक नहीं पाया, और इतने में भाई मैं नीचे वाली खिड़की पर होता हूँ कि भैया ये पता नहीं दे दनादन नेड कर रहे होते हैं। अब नेड तो नेड भाई, दूसरे वाली टीम का जो बंदा होता है ना जो उस अपार्टमेंट में होता है, वो भी मौके का फ़ायदा उठा के मेरे वाले अपार्टमेंट में आ जाता है। तो भाई उसको देखो रास्ते में पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अब इस बंदे को यहाँ पर डैमेज दे देता हूँ, और इतने में भाई जो बंदे जंगल झाड़ी से आ रहे थे उसके कुछ बंदे गाड़ी को लेकर के भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल चार बंदे हो जाते हैं, और एक बंदा छत पे था जो कि पांचवा था। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि सैंडविच बनने से अच्छा ना ऊपर वाले बंदे को पहले लपेट जाते हैं, वरना मैं बीच में फंस जाऊँगा। तो जाते हैं ऊपर। तो इसके यहाँ पर पेटी बना देते, और भाई दूसरे टीम के चार बंदे ऊपर आ ही रहे थे। अब यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस करना,
क्या हुआ? नोटिस नहीं हुई? चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर भाई, जब मैं ऊपर से कूद रहा था ना, तो ये बंदा एकदम नेड करने में मगन था और आग की बोतल फेंकने में। अभी भी देखो यहाँ पर इस फोटो में नेड ही कर रहा है। तो भाई जैसे तैसे यहाँ पर भाई मैं सही वाली खिड़की पे गिर गया, वरना भाई वहाँ पे भी पेटी मेरी ये बनाई जाता। तो इसके बाद यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। उसके बाद भाई ये सारे के सारे कैंपर होते हैं सामने वाली बिल्डिंग में, जो चार बंदे होते हैं वो भी कैंप करने लग जाते हैं और ये भी कैंप करने लग जाता है। इतने में भाई जोन आ जाता है, और जैसे ही जोन आता है ना, तब ये निकलता है ये बंदा जो खिड़की पे मेरे को पड़ोसी मिला था ना। तो भाई उसको देखो कैसे पकड़ते हैं। यहाँ पर भाई इस पड़ोसी भाई की पेटी बना देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भाई जोन आ गया था। तो मैं यहाँ पर मैं जैसे तैसे बच बुचा के निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई वो चार बंदे थे, कहीं मेरे को रास्ते में लपेट ना जाते। और इतने में मेरे को एक छत पे बंदा दिखता, तो मैंने सोचा क्यों ना कोशिश किया ही जाए। अब इसको फायर देते हैं, लेकिन ये बच जाता है। उसके बाद मैं अंदर आता हूँ, और भाई थोड़ी देर बाद जब इस अपार्टमेंट में मैं घूम ही रहा होता हूँ, कि आगे की तरफ एक बंदा दिखता है जो कि दूसरी पार्टी का होता है मेरे ख्याल से, और वो गाड़ी को लेकर के यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन गाड़ी का टायर फूटे होता है। तो बेचारा एक ही जगह स्पिन करता रह जाता है, और भाई यहाँ पर मौके का फ़ायदा तो मैं ही उठाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस बंदे की पेटी बना दी, और इन लोगों को पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ पर हूँ भी। भाई ये सोच रहे थे कि हम में से ही किसी ने पेटी बनाई होगी, लेकिन मैंने इनके गलत फहमी को दूर करते हुए इनको यहाँ पर बताया कि भाई मैं भी यहाँ पर हूँ। जब मैं आगे बढ़ रहा था, तब मुझे रास्ते में लपेटने की कोशिश की गई। अब जैसे तैसे तीन बंदों को तो नॉकआउट कर दिया। अब भाई एक ही बंदा बचा था, जिसको मैंने छत पे जब ही फायरिंग दी थी शुरुआत में। खैर यहाँ पर भाई मेरी हेल्थ देखो, और उतने में भाई यहाँ पर जोन का भी प्रकोप आ जाता है। पर इसके बावजूद यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या इनकी स्क्वाड वाइप करने की कोशिश के लिए? तो यही वो बंदा था जिसको मैंने छत पे फायरिंग दी थी, लेकिन बच के निकल गया था। आखिर में उसी की यहाँ पर पेटी बनाई और यहाँ पर स्क्वाड वाइप हो गई। तो यहाँ पर तुम लाइक का बटन दबा सकते हो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा दो, और कमेंट में मेरे को बताओ कि वीडियो ये वाली कैसी लग रही है। और इसी के साथ साथ इसके बाद यहाँ से भाई जोन से निकलने के लिए मोटरसाइकिल लेते हैं और सीधा पटक देते हैं भाई जोन में जाकर के मोटरसाइकिल को, जैसे तैसे करके बचा। और उसके बाद भाई आगे से गोली चलने की आवाज़ आती है, तो मैं समझ गया था एक बंदा तो आगे है और वो मुझे दिखता भी है। और फिर क्या होता वो देखो। तो नॉकआउट कर दिया था, फिनिश करने की कोशिश करता हूं। लेकिन आगे से फायरिंग आती है और मैं समझ नहीं पाता कि कहां से आई। और उसके बाद यहां पर जैसे तैसे खैर मैं पट्टी लपेटता हूं, और वो बंदा भी रिवाइव हो जाता है। कैसे? देखो ऐसे। अब फिर से सेम बंदे को नॉकआउट किया, और यहां पर फिर से फिनिश करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर से फिनिश नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, और भाई जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो सामने वाले पेड़ पर जाता हूँ, और वहाँ पर जाने के बाद एक स्मोक करता हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन बंदा एकदम स्मार्ट होता भाई, समझ जाता कि मैं कहाँ पर हूँ। भाई देखना कैसे। अब ये बंदा मेरे पर एम लेकर के बैठा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके इसकी पेटी बना दी। लेकिन ये वो बंदा नहीं था जिसको मैंने बार बार नॉकआउट किया था, शायद ये वो बंदा था जो कि इसको रिवाइव दे रहा होगा। लेकिन भाई अब आगे की तरफ दो बंदे थे, और उसके बाद यहाँ पर भाई मैंने पंगा ना लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद ना वहाँ पर मेरा सैंडविच बन जाता है भाई। नीचे की तरफ जो घर होते ना, उसमें से भी गोली पड़ रही होती है, और ये जो सामने जो बंदे थे ना, तो भाई उधर से भी गोली पड़ रही होती है। तो भाई मेरे पास मुश्किल से दो ही स्मोक थे, मतलब क्या ही बताऊँ, तुम देखो पहले। अब आगे वाले को फायरिंग देने की कोशिश करता हूँ, कि भाई बाजू वाला फायरिंग देने लगता है। दोनों तरफ से पिस गया था मैं यहाँ पर। अब थोड़ा डैमेज आगे दिया, अब थोड़ा डैमेज नीचे देता हूँ। तो यहाँ पर तुम सिचुएशन समझ ही गए होगे कि भाई यहाँ पर मेरा क्या ही हाल हो रखा है। दोनों तरफ से भाई चटनी बन गया, वो हरी चटनी बन गया और लाल चटनी बन गया, वो तुम यहाँ पर फैसला कर लो। और इतने में यहाँ पर मेडिकेट लगाता, और मेडिकेट लगाने के बाद भाई जोन आ जाता है, और आगे वाला बंदा मेरे को दिखता है जो कि जोन से बचने के लिए अंदर जा रहा था। उसको इतनी फायरिंग देता, लेकिन भाई नॉकआउट क्यों हुआ समझ नहीं आया। काश ये यहाँ पर नॉकआउट हो जाता तो मेरी मुश्किलें थोड़ी सी कम हो जाती। अब इसका दूसरा भी बंदा दिखता है, और यहाँ पर मैं स्कोप खोलता हूँ, लेकिन जब तक उसकी प्ले जोन से पेटी बन जाती है, मैंने कहा यार दो सेकंड रुक जाता तो ये किल मेरी हो जाती, लेकिन यार नहीं भाई। अब खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, और उसके बाद भाई आगे वाला मेरे को फायरिंग देने लग जाता, और भाई पीछे वाले का भी मुझे डर था, तो पिसा तो मैं पड़ा ही था। आगे क्या होता देखो।
गाइस इस तरीके से यहाँ पर अगर आप भिनर भिनर मुर्गी डिनर नहीं करने का तरीका ढूंढना चाहते तो मेरे से सीखे, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा ना, और इस तरीके से यहाँ पर अपनी पेटी बनवा ले तो भाई मतलब आप क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर चटनी बन चुकी थी, मुश्किल से बचने के तरीके थे, अगर स्मोक अच्छे खासे होते तो शायद मैं यहाँ पर बच भी जाता, लेकिन यार अब क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। और यार क्या ही बताऊं मैं, अब तुम लाइक बटन जरूर दबाना, और यार कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टाटा सायोनारा बाय बाय। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you, let's take it